स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शिवानी स्टडी हब में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्र गौरव के आंसर की को डिस्कस करेंगे। तो पेपर आउट करिए, आंसर्स को मैच करिए, क्योंकि राष्ट्र गौरव के पेपर में ज़्यादातर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे, और जो भी हमने कंटेंट प्रोवाइड किए थे वहाँ से क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिले हैं। जैसे रामायण के रचयिता कौन है, फिर B.R. अम्बेडकर वाला एक क्वेश्चन था, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ से देखने को मिले हैं। तो पेपर आउट करिए, आंसर्स को मैच करिए, कितने क्वेश्चंस आपको सही हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र जो चेतना मुखरित हुई है किससे? नाट्यवेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से कि अथर्ववेद से? तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का बी, दैट इज यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर पहले का बी। सेकेंड है, राष्ट्र जो शब्द है उसका सबसे प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? काठक संहिता में, सामवेद में, ऋग्वेद में कि अर्थवेद में? तो यहाँ पर जो राष्ट्र का सबसे पहला उल्लेख जो मिलता है आपका ऋग्वेद में मिलता है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी दूसरे का। थर्ड नंबर, राष्ट्र का यूरोपीय समानार्थी शब्द क्या है? नेशन, नेशनैलिटी, नेशनलिज्म, कंट्रीज में? बहुत सारे बच्चों ने गलती किया होगा, लेकिन यहाँ पर समानार्थी शब्द पूछा है, तो राष्ट्र का मतलब क्या होता है? दैट इज़ योर नेशन। क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं, भारत के राष्ट्र चिन्ह का बोध वाक्य क्या है? सत्यवे सत्यमेव जयते, सत्य धर्मचार के ज्ञान मुक्ति। तो चौथे का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर फाइव है, प्राचीन भारतीय गणराज्य के महाजनपदों की संख्या कितनी है? 141, 16 की असीमित। तो याद रखिए, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ, तो 16 है, ठीक है। भारतीय गणराज्य के महाजनपदों की अगर हम संख्या की बात करें। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, वैदिक कालीन जीवन में आश्रमों की संख्या कितनी है? 4, 5, 8 की 16। तो कितनी है? 4, ऑप्शन नंबर सिक्स का हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन, राजतंत्र का अर्थ क्या होता है? राजा का शासन, प्रजा की स्वतंत्रता, प्रजा के शासन के प्रति में से कोई नहीं। तो बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे इसमें यही टिक लगाए होंगे, प्रजा के शासन, लेकिन राजतंत्र यहाँ पूछा है, मतलब राजा का शासन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं बार बार कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर के पेपर को आप ज़रूर देख कर जाया करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है, भारतीय मान्यता के अनुसार जो कलाओं की कितनी संख्या है? 20, 40, 64 या 68। तो भारतीय मान्यता की अगर हम बात करें तो कलाओं की संख्या जो बताई गई है वो कितनी है? 64 है, 64 है। नाइन्थ है, देखिए इतनी इजी इजी क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? तो 15 अगस्त को, 26 जनवरी, 14 अगस्त की 25 जनवरी। तो गणतंत्र दिवस हम कब मनाते हैं? बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, 26 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट है, टेंथ है, राष्ट्र चिति को प्रतिपादित करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उपरोक्त सभी? तो राष्ट्र चिति को कौन प्रतिपादित करते हैं? तो टेंथ का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्र गौरव में दिखाई नहीं पड़ता है, क्या नहीं दिखाई पड़ता है? राष्ट्र प्रेम दिखता है, राष्ट्रभक्ति दिखती है, राष्ट्रीय चेतना के स्वर दिखते हैं, लेकिन आतंकवाद उसमें नहीं दिखता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12 है, आधुनिक राष्ट्र के घटक हैं यहाँ पर, क्षेत्र है, जनसंख्या है, संप्रभुता है कि उपरोक्त सभी हैं? तो यहाँ पर घटक पूछा है, तो ये सारे के सारे आधुनिक राष्ट्र के क्या हैं? घटक हैं, क्षेत्र हो गए, जनसंख्या हो गए, संप्रभुता हो गई। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी सूक्त अंग किसके हैं? ऋग्वेद के, सामवेद, अथर्ववेद, उपरोक्त सभी? तो 13 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 15 है, भावनात्मक राष्ट्र की अवधारणा किसमें है? भूमि की, जन की, संस्कृति की, उपरोक्त सभी? तो भावनात्मक पूछा है यहाँ पर, भावनात्मक जो यहाँ पर बात की गई है तो वो संस्कृति शब्द में है, ठीक है, दैट इज संस्कृति। 15th है, राष्ट्रीयता जो है वो राष्ट्रभाव है, राष्ट्रद्रोह है, राष्ट्र निंदा की उपरोक्त सभी? तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा, तो राष्ट्रीयता मीन्स राष्ट्रभाव, राष्ट्रद्रोह नहीं, राष्ट्र निंदा नहीं, दैट इज राष्ट्रभाव। 16 है, भारत राष्ट्र जो है वो क्या? अखंड है, खंड है, विच्छिन्न है कि उपरोक्त सभी? तो 16 का आंसर हो जाएगा, दैट इज अखंड। 17 है, विश्व के स्वामी को क्या कहते हैं? ग्रामणी, विश्वपति, गणपति, उपरोक्त सभी? तो विश्व के स्वामी को क्या बोलते हैं? विश्वपति बोलते हैं, सीधा सा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 18 है, ज्ञान खंड क्या है? उपनिषदे है, रामायण है, महाभारत है कि किरात है? तो ज्ञान खंड यहाँ क्या है आपका? दैट इज उपनिषद, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं,
भारतीय गणित के जनक कौन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। आर्यभट्ट, मुकुल भट्ट, बाण भट्ट की देव भट्ट। तो भारतीय गणित के जनक कौन है? आर्यभट्ट है। और ये आपका कंपलसरी पेपर है जिसमें आपको पास होना ही ज़रूरी है, बिना पास के आपको ये सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, जो डिग्री है। तो इसमें आपको पास होना ज़रूरी है। जो बच्चे से सेकेंड सेमेस्टर में अगर पेपर छूट जाता है तो वो फोर्थ में दे सकते हैं, इसीलिए सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर जो भी यूजी के हैं कंपलसरी पेपर है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन आता है, लीलावती के रचनाकार कौन है? भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, वामन की दंडी। तो 20 का आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, भास्कराचार्य। 21 है, संगीत युक्त वेद है क्या? ये ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद की यजुर्वेद। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सामवेद। 22 का, इंडिका के लेखक कौन है? संयुंगन, मेगास्थनीज, हेरोडोटस, इनमें से कोई नहीं। तो मेगास्थनीज की अगर हम बात करें तो इसके लेखक कौन है? मेगास्थनीज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 23 है, गीत गोविंद कृति हैं, ए चैतन्य महाप्रभु के, जयदेव के, नागदेव की, कबीर के। तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जयदेव के। 24 है, रामायण के कर्ता कौन है? वेदव्यास, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ, तुलसीदास, वाल्मीकि की सूरदास। तो रामायण के कर्ता कौन है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वाल्मीकि जी। 25 है, महाभारत कितने में विभाजित किया गया है? अध्यायों में उसको विभाजित किया गया है, पर्वों में, सर्गों में, कि खंडों में? तो महाभारत को पर्वों में विभाजित किया गया है, तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 है, गीता जो अंश है किसका है? श्रीमद् भगवत का, रामायण का, महाभारत का, कि वेद का? तो गीता जो भी आपका एक अंश है श्रीमद् भगवत गीता का। 27 है, जय लघु रूप है महाभारत का, रामायण का, वेद का, कि पुराण का? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाभारत का। 28 है, ओम का जो विवेचन है वो कैनोपनिषद में हुआ है, ईशोपनिषद, कठोपनिषद की महाड्यूनोपनिषद में। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 29 नंबर है, उपनिषद का शाब्दादिक जो अर्थ है हम बात करें, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ, समीप बैठना, आगे बैठना, देखना कि विचार करना। तो उपनिषद का जो शाब्दादिक अर्थ होता है समीप बैठकर जो ज्ञान लेना। 30 है, रामायण की मूल भाषा क्या है? पाली है, प्राकृत है, अभ्रंश है, कि संस्कृत है? तो रामायण की अगर हम मूल भाषा की बात करें तो ये आपका संस्कृत है। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक का नाम नहीं है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, विष्णुपद। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक का नाम चाणक्य है, कौटिल्य है, विष्णुगुप्त ठीक है, लेकिन विष्णुपद नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 है, आदि काव्य जो वो क्या है? महाभारत है, भारत है, रामायण के उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 32 का आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? नाटक शास्त्र, सामवेद, ग्रंथ वेद की कदम केली। तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सामवेद। नेक्स्ट है, 34 है, यक्ष गानम है वो चित्रकला है, गायन कला है, नृत्य कला है, कि नाटक की कला है? तो 34 का आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नृत्य कला है। 35 है, HMRA का पूर्णरूप क्या है? तो इसका पूर्णरूप है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट है, 36 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942, 1943, 1934 की 40। तो 1942 में भारतीय छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। बहुत इजी क्वेश्चन है, भगत सिंह का शहादत दिवस कब है? तो 14 फरवरी 1931, 23 मार्च 1931, ईयर सेम हुए हैं, डेट आपको यह ध्यान रखना है 23 मार्च 1931। 38 से बिहार में 1857 के नेता कौन थे? तात्या टोपे थे, नाना साहब थे, मंगल पांडे थे, कि कुंवर सिंह थे? तो यहाँ पर अगर हम 38 की बात करें तो 38 का आंसर कुंवर सिंह थे, एट द टाइम ऑफ 1857, और बिहार की हम बात करें। 39 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? क्षमता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार? तो ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 40 है, भक्ति आंदोलन इस युग की देन है, आधुनिक काल की देन है, मध्यकाल की, प्राचीन की, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो भक्ति आंदोलन है ये आपकी अगर हम बात करें तो ये मध्यकाल, अगर हम बात करें मध्यकाल की क्या है, एक सेकेंड, हाँ 40 का हो जाएगा बी, ठीक है, मध्यकाल।
नेक्स्ट है 41 नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, चपटनाथ, जालंधरनाथ, गहरीनाथ की गोरखनाथ, तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज गोरखनाथ। नेक्स्ट 42 आलवर जो भक्तों का संबंध किससे है, गुजरात से है, बंगाल से, कर्नाटका से कि तमिल से, तो आलवर भक्तों का अगर हम संबंध बताएं तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है 43 महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा के संदर्भ में सही तथ्य हैं, यह यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी और 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी और इसमें ब्रिटिश नामक एक अधिकारी के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में, तो सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, तो 43 का ऑप्शन डी। 44 है गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी, वैदिक संस्कृति, पाली, हिंदी की अवरण, तो कौन सी भाषा थी यहाँ पर, बी दैट इज पाली। 45 है जोई पिंडे सुई ब्रह्मांडे प्रसिद्ध दर्शन है किसके हैं, महावीर स्वामी के, शंकराचार्य के, गोरखनाथ विवेकानंद के, तो 45 का आंसर ऑप्शन नंबर सी दैट इज गोरखनाथ। 46 नंबर है पेरियार ने सच्ची रामायण की रचना की थी, अंग्रेजी भाषा में, तमिल भाषा में, हिंदी में कि कन्नड़ में, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज तमिल भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 गुलामगिरी पुस्तक की रचना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, रामास्वामी नायकर पेटियार ने, सावित्री बाई फुले की ज्योतिबा फुले ने, तो 47 का ऑप्शन नंबर दैट इज डी, ज्योतिबा फुले के द्वारा गुलामगिरी पुस्तक की रचना की गई थी। 48 है विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक कौन है, राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो 48 का आंसर दैट इज बी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है अंत्योदय की अवधारणा का संबंध किससे है, जवाहरलाल नेहरू की दृष्टि से, बी है दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा से, राम मनोहर लोहिया के समाजवाद से कि डी महात्मा गांधी की विचार दृष्टि से, तो यहाँ पर अगर हम 49 का आंसर की बात करें दैट इज ऑप्शन नंबर बी दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा से। लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, महात्मा बुद्ध, स्वामी करपाली, महावीर स्वामी की, स्वामी विवेकानंद, तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया। तो ये टोटल आपके 50 क्वेश्चंस थे, ऐसा लगे कि किसी क्वेश्चंस में आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पिन कर सकते हो और कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी आप पिन कर सकते हो। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ओके, थैंक यू।